हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ के बारे में, कि इसका जीएमपी और ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है और कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, क्योंकि कल इसका अलॉटमेंट है। और अलॉटमेंट के दिन क्या इसके सिचुएशन वगैरह है, क्या प्राइस पर लिस्ट होगा, और फिलहाल अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है मार्केट में, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, और स्टॉक मार्केट में कितने प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं कि ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में, कि आज इसका अलॉटमेंट का दिन है और अलॉटमेंट क्या क्या किस किस को अलॉट होता है और जिनको अलॉट नहीं होता है उनको क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ 5 तारीख को आया था और 7 तारीख को क्लोज हो गया था। अगर ये बैंक के बारे में बात करें तो करीब करीब ये 100 साल पुरानी बैंक है। 1921 में ये अमल में आई थी और करीब करीब देखा जाए तो इसकी सर्विस वगैरह करीब करीब हर स्टेट में है और 509 ब्रांचेस है और 5 मिलियन से ज़्यादा इसके कस्टमर है और करीब करीब 370 ब्रांचेस है और 15 स्टेट में इसकी ब्रांचेस है और 5 चारों टेरिटरी में भी अपनी काम अंजाम दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की बात किया जाए, स्ट्रेंथ के बारे में, तो 100 साल पुरानी बैंक है और कस्टमर बेस है और ज़्यादातर लोन ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई लॉयल कस्टमर जो इनके ज़्यादातर एमएसई और एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल के बारे में अगर बात किया जाए, 21 मार्च 2020 में तो टोटल असेट 42,758 थी और टोटल रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 3,992 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था 2020 में 464 करोड़ का, नेटवर्थ इसी करीब 3,980 करोड़ है। और 2021 की बात किया जाए तो करीब करीब इनका टोटल असेट 47,527 करोड़ था और टोटल रेवेन्यू इनका हुआ था 4,253 करोड़ का, और नेट आफ्टर टैक्स जो इनका प्रॉफिट था 664 करोड़ का था और नेटवर्थ इनकी 4,580 करोड़ की थी। और इस करंट ईयर यानी 2022 की बात की जाए तो इनकी टोटल असेट हुई थी 52,858 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू हुआ था 4,656 करोड़ का, और आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो करीब करीब 901 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। देखा जाए तो 2020 के मुकाबले 2022 में डबल से भी ज़्यादा हो गया, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसकी अगर इशू की बात कर लिया जाए तो अगर 5 सितंबर को ये इशू हुआ था और 7 सितंबर को ये क्लोज हो गया था। इसके बाद जो फेस वैल्यू रखी गई थी करीब करीब 10 रुपया रखी गई थी और 500 से 525 के बीच में इसका प्राइस बैंड था, और मैंने कहा था कि 525 पे ही आप इसको बाय करना। तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 28 शेयर थे और टोटल इशू की बात किया जाए तो 831 करोड़ का था, तो पूरा टोटल इशू फेज इशू था इसके में। और ये BSE NSE दोनों पे लिस्ट होने वाली ईयर, QIB में जो सब कोटा रखा गया था 75% QIB का कोटा रखा गया था और HNIs के लिए 15% और रिटेल के लिए 10% रखा गया था। और इसकी जो टेंटेटिव डेट वगैरह है वो देख लिए, ये टेंटेटिव डेट क्या है, 5 सितंबर को ये इशू हुआ था और 7 सितंबर को 5 बजे तक ये क्लोज हो गया था। अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट कल 12 बजे तक इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, कल 12 तारीख को इसका अलॉटमेंट है। देखते हैं किसको इसको खुश नसीब को इसको अलॉटमेंट हुआ, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो 13 सितंबर को उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा और 14 सितंबर को तुम्हारे डीमैट अकाउंट में ये लिस्ट हो जाएगा तुम्हारे डीमैट अकाउंट में, और 15 सितंबर के दिन ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन की डिटेल और लाइव स्टेटस वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। तो 5 सितंबर को ये ओपन हुआ था और 7 सितंबर को ये क्लोज हो गया था। आईपीओ प्राइस जो रखा गया था 525 का रखा गया था और फेस वैल्यू 10 रुपये थी और टोटल जो इसका साइज़ था 831 करोड़ का इसका टोटल साइज था। ये BSE NSE दोनों पे लिस्ट हो। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव क्या है वो देख लेते हैं। करीब करीब देखा जाए QIB के इंस्टीट्यूशन जो हुए थे करीब करीब सब्सक्रिप्शन 1.5% हुआ था और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में करीब करीब 3% हुआ था। HNIs जो 10 लाख के करीब थे उनका 3% हुआ था, जो 10 लाख से ज़्यादा थे उनका 2.5% था, और हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए इन्वेस्टर के लिए जो करीब करीब 6.5% हुआ है। अगर टोटल देखा जाए तो करीब करीब 3% टोटल सब्सक्राइब, ये 3% करीब करीब ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक सब्सक्रिप्शन डिटेल के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट डे करीब करीब ये 1% हुआ था, सेकंड डे देखा जाए 1.5% हुआ था, और टोटल सब्सक्रिप्शन 7 तारीख को जो इसका लास्ट डेट था
तो 2.5% ये करीब करीब 2-2.5% ये टोटल आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, करीब करीब 2.5% का इसका सब्सक्रिप्शन। फिलहाल अभी जिसके लिए वीडियो बनाया है, जिसका आपका इंतज़ार था, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं। करीब करीब तमिलनाडु मर्केंटाइल का फिलहाल जो GMP चल रहा है, फिलहाल अभी 525 की हाईएस्ट प्राइस थी और फिलहाल अभी इसका 553 में चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये 540-550 के बीच में है ये। अगर मार्केट अच्छी रही, तो हो सकता है ये 550-560 के बीच में ये लिस्ट हो जाएगा। 15 सितंबर को ये लिस्ट होगा, 5 सितंबर को ये ओपन हुआ था और 7 सितंबर को इसकी लास्ट डेट थी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।